हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मज्जा में छो? दोस्तों, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आ गया है एक और लाइव एक्शन एडेप्टेशन ऑफ एनिमेशन मांगा सीरीज यू यू हिकाशु। सही सुना आपने भाई, यू यू हिकाशु नाम ऐसा ही होगा ना, क्योंकि भाई जैपनीज सीरीज है। अब ये कोरियन लोग, विटामिन लोग, जैपनीज लोग यार इतने टैलेंटेड है भाई, नाम इनके बल्ले जैसे भी हो, लेकिन है इतने टैलेंटेड लोग भाई के पूछो मत यार। मतलब इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि हमारे बलोच भाई जो है ना, जितनी जल्दी बाइक खोलते हैं ना भाई, आप इनको बाइक दे दो, हमारे बलोच भाइयों को बाइक खोल के सारे पुर्जे 5 मिनट में ऐसे अलग करेंगे और चोर बाजार में बेचेंगे कि पूछो मत भाई। इसी तरह जैपनीज लोग जो है ना, आप उनको पुर्जे दे दो भाई, आप वो 5 मिनट में आपको भाई सारे पुर्जों की सुजुकी बना के रेडी करके दे देंगे। इतने टैलेंटेड होते हैं भाई अपने जैपनीज लोग, और इनका जो है ना तरीकेकार बोलने का आय है भाई। कोरियन होते हैं ना अपने, उनका अलग स्टाइल होता है बोलने का, अयो अच्छा, अयो चे, अयो माँ। इस तरह वियतनामीज जो होता है ना, उनमें मोहब्बत ज्यादा होती है, वो थोड़ा खींच के बोलते हैं, अयो माँ, अये अम्मे, अयो चा। अब ये जो जैपनीज होता है ना, ये थोड़े गुस्से वाले होते हैं अंदर से, इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। किस तरह बात करेंगे ये, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई इस तरह इनका स्टाइल होता है बात करने का, नाम अजीब से, लेकिन भाई इतना टैलेंट है कि पूछो मत। और एक सीरीज आई थी बीच में जिसका नाम था एलिस इन बॉर्डरलैंड। भाई ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी ना, तो आप जो है मतलब कुछ भी नहीं देखा आपने, फारिग हो बिल्कुल। एलिस इन बॉर्डरलैंड जो है स्क्विड गेम से भी ज्यादा जबरदस्त सीरीज थी, नहीं देखी तो फौरन देखना। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम यू यू हिकाशु की। भाई क्या एक्शन दिखाया यार इस सीरीज में, भाई दिमाग घूम गया। कहानी कुछ इस तरह है कि हमारा इसमें मेन कैरेक्टर युस्की उरामेशी, उसकी उरामेशी जो है ना भाई, एक ऐसा लड़का होता है जिसको कोई परवाह नहीं होती, किसी की फड्डे वड्डे करने वाला लड़का होता है, घूमने फिरने वाला छड़ा छाट होता है, लेकिन वो क्या करता है, बच्चे की जान बचाते हुए मर जाता है। अब मर जाता है तो उसे ले जाया जाता है भाई यमराज के पास, एक स्पिरिट वर्ल्ड में, स्पिरिट की दुनिया होती है उसमें। यमराज के पास उसे जब लेके जाया जाता है, तो भाई उसका हिसाब किताब होता है और बोला जाता है कि भाई तूने जो है पूरी जिंदगी बुरा काम किया, लेकिन मरते वक्त एक अच्छा काम करके मरा, तो भाई तेरे को एक चांस और दिया जाएगा जिंदा होने का, तुझे जो है स्पिरिट वर्ल्ड का डिटेक्टिव बनना है और दूसरी दुनिया से आए हुए जो मॉन्स्टर है ना, उससे दुनिया को बचाना है। वो ये वाली जॉब ले लेता है। अब दूसरी दुनिया के आए हुए जो खतरात होते हैं, जो मॉन्स्टर होते हैं ना, जिनका इंसानों पर खतरा होता है, उससे किस तरह ये फाइट करता है, इस पर जो है ना बेस करती है पूरी सीरीज। और भाई ऐसा धांसू एक्शन देखने को मिला ना कि दिमाग के सारे घोड़े खुल गए यार। मतलब इस तरह का एक्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था यार। क्या ऑसम तरीके से सारे एक्शन सीन्स को जो है ना पिक्चराइज किया गया है। विजुअल इफेक्ट्स जो है ना इस सीरीज के माइंड ब्लोइंग है यार, और सिनेमेटोग्राफी जो है ना टॉप नॉच की है, टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी। कैरेक्टर्स जो है ना जिन्होंने इस सीरीज में काम किया, क्या एक्टिंग की है यार, उन्होंने माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है भाई सबकी। मेन कैरेक्टर जो है उसमें एक है करुमा, करुमा जो है भाई रेड ड्रेस पहनता है पूरा, और क्या उसकी तलवारबाजी, क्या उसकी फाइटिंग है, क्या ऑरा है बंदे का, माइंड ब्लोइंग। इसके अलावा एक हाई का कैरेक्टर है जो कि तलवारबाज है ब्लैक ड्रेस वाला, और उसकी फाइटिंग आप देखोगे ना, और उसके जो मेन पावर्स देखोगे, माइंड ब्लोइंग यार, ऑसम पावर्स है। और इस तरह का एक्शन करके दिखाया कि भाई आप बोलोगे यार, मतलब ये पहले क्यों नहीं देखा यार हमने। और एक और कैरेक्टर है भाई इसमें, जो बच्चों का दोस्त नहीं होता, सारे दोस्तों में एक बच्चों का दोस्त होता है तफरी करने वाला और मार धाड़ करने वाला, उसी तरह का एक बच्चों का होता है जो बाद में अच्छा बन जाता है और युस्की का साथ देता है। वो कैरेक्टर है जिसका नाम है कुआबरा, कुआबरा। हाँ भाई देख रहे हो आपका भाई कितने नाम याद करके आया जैपनीज आप लोगों के लिए। कुआबरा का कैरेक्टर भाई आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर को जो ना आप अपनी रियल लाइफ से जो है वो मिला सकोगे। भाई इस तरह का बच्चोदा आदमी है कि आपको मजा आएगा इसकी एक्टिंग देख के। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एडेप्टेशन बाय नेटफ्लिक्स। एक और एडेप्टेशन नेटफ्लिक्स ने किया था जिसका नाम था वन पीस, जिसने भाई झंडे गाड़ दिए थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था वो सीजन भी, और ये भी मुझे लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ेगा यू यू हिकाशु। तो भाई मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज आप फटाफट जाके देख डालो, सारे काम छोड़ दो भाई, सुसु भी नहीं करो, फटाफट जाके नेटफ्लिक्स पर देखो। ये हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और भाई क्या डबिंग है यार, हिंदी डबिंग भी माइंड ब्लोइंग है। तो ये ऑसम सीरीज आप लाजमी जाके फटाफट देखो, यूनिक स्टोरी है बिल्कुल, एक्शन ऐसा कि आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, फटाफट जाके देख डालो, मजा आएगा। और वीडियो को लाइक ठोकते हुए जाना, और सब्सक्राइब तो करो यार, आपको पता है मोहब्बत टू होती है, समझ तो गए होगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।